मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में 7 मार्च से लेकर 10 मार्च तक बारिश होने का अलर्ट जारी किया हुआ है। मराठवाड़ा और विदर्भ में सुबह से ही बादल छाए रहने से किसानों की चिंता और बढ़ गई है। मराठवाड़ा के किसान खरीफ सीजन में बेमौसम और अतिवृष्टि से काफी परेशान रहे हैं। अब एक बार रबी सीजन में भी उन पर ज्यादा बारिश का असर होता दिखाई दे रहा है। रबी फसल का मौसम में बदलते देख किसान परेशान हैं। खास तौर पर वे किसान जिन्होंने प्याज की खेती की हुई है, रबी सीजन की प्याज खेती से निकल रही है। ऐसे में बारिश तेज हुई तो प्याज सड़ने का खतरा बढ़ जाएगा। महाराष्ट्र सबसे बड़ा प्याज उत्पादक प्रदेश है। यह होने वाले प्याज उत्पादन का 65% रबी सीजन में ही होता है। ऐसे में बारिश से फसल नुकसान का खतरा ज्यादा है। महाराष्ट्र में इस वक्त प्याज के अलावा चना, गेहूं और ज्वार की भी फसल है। बेमौसम बारिश हुई तो किसानों का बहुत नुकसान होगा। अलर्ट के बाद किसान समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर वे जल्द से जल्द तैयार प्याज को अपने खेतों में कैसे निकालें। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद किसान कटी हुई चने की फसल को सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए काम भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।